बेटर बात जो और इन दोनों की है वो ये है कि ये दोनों बहुत रिलायबल हैं. मतलब आग बंद करके हम लोगों ने इन पर भरोसा किया, वो हम उसमें एकदम ये दोनों खरे उतरे. जबकि शर्मा जी थोड़ा सा कम विश्वास कम लोगों पे करते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि शर्मा जी का इन दोनों ने उस अपने विश्वास पर हमेशा खरे उतरे. तो ये इस इनकी बात बहुत अच्छी लगती है, हम दोनों को ही बहुत पसंद आती है. बुलंदशहर के लिए सौगात हैं. अगर देखा जाए तो बुलंदशहर में मैंने ऐसा नहीं देख पाया मैं कि इतना बढ़िया मकान कोई बनाकर मुझको दे पाए. मैंने कभी भी आशा ही नहीं की थी, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी मेरे को इस बात की कि ये मैं ऐसा मकान अपना बना पाऊंगा या मैं कभी सपनों के घर में रह पाऊंगा. मैंने एक नॉर्मल सा मकान सोचा था, ठीक है भाई पैसा तो सब लगाती हैं, सबने लगा भी रखा है, लेकिन इतना अट्रैक्टिव किचन या मेरा फर्नीचर या मेरा रैक्सीन भी फर्नीचर कि इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से चूज़ की, खुद जाकर सारा काम इनोटेक वगैरह किचन के या चूल्हा है जो भी है, मतलब ओवरऑल एक भी काम मुझको ऐसा नहीं लगा कि मुझको खुद भी करना पड़ेगा कुछ. मेरी लिफ्ट भी लगवाई है, तो मैंने कहा मेरे को कस्टमाइज लिफ्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, आपको हम उसी स्पेस में लिफ्ट भी लगा कर दे देंगे, आप टेंशन फ्री रहें. मेरी इतनी टेंशन थी लिफ्ट की, लेकिन उन्होंने उसका भी समाधान मेरा कर दिया. तो मुझे नहीं लगता कि बुलंदशहर में इनके बराबर कोई कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी रखता होगा या इस इतना बढ़िया काम करके दे पाएगा. आई होप ये हमेशा तरक्की करें, मेरे भगवान से यही प्रार्थना है. थैंक यू.